वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे किसी भी टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम में हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स की बात की जाए तो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स चैप्टर से। दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल में आपको टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आईटीआई करने वाले फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और बात करते हैं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं, तो ये बात आती है हाइड्रोलिक्स की। तो हाइड्रोलिक्स में बता दूं कि हाइड्रोलिक्स का कहने का मतलब ये होता है कि वैसे जो होते हैं हाइड्रोलिक्स कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भारी मशीन को ले जाना होता है, किसी पार्ट को ले जाना होता है, तो हाइड्रोलिक के द्वारा और न्यूमेटिक्स के द्वारा भी हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में क्या होता है कि हाइड्रोलिक में जो होता है तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ के द्वारा कंप्रेसर से यानी प्रेशर दिया जाता है और तरल पदार्थ के द्वारा जो है इसमें यांत्रिक ऊर्जा स्थापित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना उठाना होता है। जो जितने भी ये क्रेन होते हैं या लिफ्ट होते हैं ये सब हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के द्वारा, और बहुत सारे काम जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो न्यूमेटिक्स गन होते हैं आपने देखा होगा, तो ये सब चीजें जो है ज्यादातर इंडस्ट्रीज में हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो मैं एक लाइन में ही बता दूं कि हाइड्रोलिक्स कहने का मतलब ये होता है जिसमें तरल पदार्थ फ्यूल के रूप में होता है और न्यूमेटिक्स में जो होता है गैस या एयर होते हैं, हवा होते हैं, ये न्यूमेटिक्स में आते हैं, और हाइड्रोलिक्स में जो होते हैं लिक्विड होते हैं यानी तरल पदार्थ होते हैं। चलते हैं सेशन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि तरल पदार्थ को प्रेषित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी विच सिस्टम इज यूज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्यूल। तो इसमें क्या है कि तरल पदार्थ को प्रेषित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोलिक, बी में दिया है मैकेनिकल, सी में दिया है विद्युतीय और डी में दिया है न्यूमेटिक्स सिस्टम। तो ये जो होता है तरल पदार्थ की भी हम बात करते हैं, तरल पदार्थ जो होता है वो हाइड्रोलिक्स के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रोलिक्स होगा। तो हाइड्रोलिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू है कि हाइड्रोलिक पंप में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, विच एनर्जी इज कन्वर्ज इन हाइड्रोलिक पंप, यानी हाइड्रोलिक पंप जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, न्यूमेटिक्स एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑप्शन सी है थर्मल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये जो होता है हाइड्रोलिक पंप की हम बात करें तो हाइड्रोलिक पंप में कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो हाइड्रोलिक पंप में जो होता है हाइड्रोलिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी को जो है हाइड्रोलिक एनर्जी यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। सॉरी देखिए थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है इसमें पहले होगा हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये जो है इसमें पहले हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ होगा और ये जो है मैकेनिकल एनर्जी यहाँ होगा, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वह मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बट क्या होगा इसमें कि जो है हाइड्रोलिक जो है ये हाइड्रोलिक यहाँ पे होगा और ये जो है मैकेनिकल यहाँ पे होगा। ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, विच डिवाइस मेक्स द डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, यानी फ्लो रेट ऑफ ऑयल की बात कर रहा है, डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल के लिए क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है देखिए क्या लिखा है, प्रतिबंध प्रवाह यानी रिस्ट्रिक्शन फ्लो, उसके बाद है बी में प्रेशर वाल्व, सी में है छिद्र यानी ओरिफिस, और उसके बाद डी में है थ्रॉटल वाल्व। तो जो है ये जो है कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, तेल की विभिन्न प्रवाह दर की जब बात करें तो उसके लिए थ्रॉटल वाल्व हमेशा याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रॉटल वाल्व। ये जो है क्वेश्चन CITS के जो मॉडल पेपर है उससे भी संबंधित हमने वीडियो बनाया है, CITS इंट्रेंस एग्जाम हो या CITS फाइनल एग्जाम हो, तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम की हम बात करें CITS यानी ITI करने के बाद आप CITS भी कर सकते हैं, तो CITS के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन था
और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ भी था। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्यूल्ड कंटेंटमेंशन, यानी किस तरह के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, यानी किस तरह के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यानी तरल पदार्थ दूषित ना हो उसके लिए फिल्टर में कौन सा पंप लगा होता है। ऑप्शन ए में दिया है सेक्शन फिल्टर, ऑप्शन बी में दिया है अब्सॉर्बेंट यानी शोषक फिल्टर, सी में दिया है चुंबकीय मैग्नेटिक फिल्टर, और डी में दिया है यांत्रिक यानी मैकेनिकल फिल्टर। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर नंबर क्वेश्चन का, सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर के द्वारा जो होता है वह फिल्टर पंप को तरल पदार्थ से दूषित होने से बचाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइव नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि गैस यांत्रिकी यानी न्यूमेटिक्स की बात हो रही है, न्यूमेटिक्स की बात हो रही है। गैस यांत्रिकी का अध्ययन खाली स्थान द्वारा संचालित प्रणाली से संबंधित है, यानी गैस यांत्रिकी की बात हो रही है तो यह किस में होता है, किसके द्वारा संचालित प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है वाटर पानी, बी में दिया एयर हवा, सी में ऑयल तेल, और डी में दिया है वैक्यूम यानी निर्वात। तो गैस यांत्रिकी की बात कर रहे हैं तो ये जो है गैस यांत्रिकी जो है वह एयर से, यानी एयर और गैस की जब हम बात करें तो ये न्यूमेटिक्स में आते हैं, और हाइड्रोलिक्स की बात करें तो हाइड्रोलिक्स में क्या होता है वह लिक्विड होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फाइव नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वह था बी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को आमतौर पर क्या कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वह ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है बिल्कुल ये सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने पढ़ा है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप सेट वेट देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, यानी तरल पदार्थ के भंडारण के स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसको हम रिजर्वायर यानी देखिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर, हमें याद है इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए में दी है पंप, बी में दी है प्लग, सी में दी है झरनी, और डी में दी है रिजर्वायर यानी जलाशय, ऐसे करके है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सात नंबर क्वेश्चन है कि एक वायु चलित प्रणाली में सेंसर किस उद्देश्य को पूरा करता है, यानी वायु चलित प्रणाली की बात हो रही है। इन ए न्यूमेटिक सिस्टम ए सेंसर सर्वाइव द पर्पस ऑफ, यानी जो है किस पर्पस के लिए जो है सेंसर लगाया जाता है, ये न्यूमेटिक सिस्टम की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए में दिया है पुनर्भरण के लिए, बी में दिया है नियंत्रण, सी में दिया है फ्लक्स, और डी में दिया है भंडारण। यानी ऑप्शन ए में है फीडबैक, बी में दिया है कंट्रोल, सी में दिया है फ्लक्स, और डी में दिया है स्टोरेज दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी फीडबैक के लिए जो है सेंसर का यूज जो है फीडबैक के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट है। देखिए क्या है कि शीतलन के निर्माण के लिए जल का घुलनशील तेल से अनुपात होता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आप, रेशियो ऑफ वाटर इज सोल्यूबल ऑयल टू प्रॉपर कूलेंट इस, देखिए प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर होना चाहिए। रेशियो ऑफ वाटर इज सोल्यूबल ऑयल टू प्रॉपर कूलेंट इज, यानी शीतलक के निर्माण के लिए जल का घुलनशील तेल के अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा ये 20:1 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है सेट का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं 10 क्वेश्चन ही होंगे, और ये सारे क्वेश्चन वीवीआई होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित आईटीआई फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ आपको मिलेंगे। और यदि आप कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं आप, तो आपके लिए हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि जीके जीएस करेंट अफेयर्स और इंग्लिश ग्रामर और कुछ इंपॉर्टेंट वोकेशनल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, चलते हैं सेशन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह 20:1 होगा। यह शीतलक के निर्माण के लिए जल का
घुलनशील तेल से अनुपात होता है, तो ये 20:1 होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूमेटिक्स में हवा का प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये न्यूमेटिक्स के लिए बात कर रहे हैं, हवा के प्रयोग करने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है हवा हर जगह उपस्थित होता है, ऑप्शन बी जो दिया हवा को वापसी लाइन की आवश्यकता नहीं होती, सी में दिया यह विस्फोटक होती है, और डी में दिया यह हवा प्रदूषण नहीं फैलाती है। यह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यह विस्फोटक, यानी ये जो है ये ऑप्शन गलत है, और हमें गलत ही बताना था क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि ये कौन सा जो है यह कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये कथन सही नहीं है क्योंकि हवा विस्फोटक कभी नहीं होता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, हम बार बार कह रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और ये हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से कोई भी टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो अब जो है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। और देखिए क्या है क्वेश्चन, ये न्यूमेटिक पद्धति में पावर स्रोत क्या होता है, यानी इन न्यूमेटिक सिस्टम ए सोर्स सर्वाइव द पर्पस ऑफ, यानी जो है सोर्स को सर्वाइव करने के लिए क्या पर्पस होता है, तो इसमें पावर के लिए क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया हवा यानी एयर, एयर रिसीवर, बी में दिया है कंप्रेसर, बी में दिया वाल्व, और डी में दिया है मफलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर इसमें यूज किया जाता है इन न्यूमेटिक सिस्टम में, पावर के लिए जो है कंप्रेसर यूज किया जाता है, यानी कंप्रेसर ही दिया जाता है ताकि ये जो है न्यूमेटिक सिस्टम अच्छे से काम कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो था कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से ये जो है रनिंग के क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, और आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। धन्यवाद।